ये सुपर हीरो फैन, मल्टी सीजन का फाइनल एपिसोड माइंड ब्लोइंग था, और खासकर लास्ट वाली फाइट। लेकिन लास्ट वाली फाइट में जो ये करेक्टर दिखाया गया और जो इसका वेपन है, उसको देख कर जितना अपने सुपरीम स्टेंट परेशान थे, उतना अब मार्वल फैन हो चुके हैं, क्योंकि इसको देख के काफी सारे मार्वल फैन के मन में यही सवाल उठ रहा है कौन। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले कि ये करेक्टर है कौन और इसका ओरिजिन क्या है और इसकी पावर क्या क्या है। तो बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर ये कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसकी वजह से इसका अंदाजा लगाना बहुत इम्पॉसिबल हो गया है। लेकिन कुछ वीडियोस और काफ़ी सारे फोटोज़ को गौर से देखने के बाद इतनी चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि ये करेक्टर है, ये हल्का वेरिएंट है, क्योंकि इसके अंदर से ग्रीन लाइट नहीं और ग्रीन पावर निकल रही है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये हल्का वेरिएंट है और जिसका साइज़ है वो हल्के लेवल का है। और जो ये हल्का वेरिएंट है, ये वर्दी है, ये अपनी थॉर के मियोनिर को उठा सकता है और उसकी पावर को यूज़ कर सकता है। तो काफ़ी सारे मार्वल फैन के मन में ये भी बात आ रही होगी कि ये अपने थॉर का भी तो कोई वेरिएंट हो सकता है, थॉर या हल्क का मिक्सचर भी तो हो सकता है। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब भी थॉर हल्क में कन्वर्ट हुआ है या हल्क के साइज में क्रिएट हुआ है, तो वो ब्लू कलर का क्रिएट हुआ है और उसमें से ब्लू एनर्जी निकल रही थी। लेकिन इस सीन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो हल्क के इस वेरिएंट के अंदर से सिर्फ ग्रीन एनर्जी और ग्रीन लाइटिंग देख सकते हैं, जिससे क्लियर हो चुका है कि जो कैरेक्टर है ये हल्का वेरिएंट है, जो वर्दी है और जिसके पास थॉर की पावर है, और जिसकी कॉस्ट्यूम है और जो इसका सूट है वो एग्जैक्टली मैच है अपने थॉर से और माइटी थॉर के सूट से। अब पता चल गई कि जो ये कैरेक्टर हल्का वेरिएंट है, लेकिन ये इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ कैसे? तो इसके पीछे भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी है जो ये हल्का वेरिएंट है, जो वर्दी है, इसको अपने रूइन किंग वाले थॉर की पावर मिल चुकी है। हमें पता है कि रूइन किंग थॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसकी जो पावर्स है वो अलग ही लेवल की, वो इन्फिनिटी स्टोन से भी ज़्यादा की पावर लेवल है, क्योंकि हम देख सकते हैं जिससे सुप्रीम स्टेंज को अपने इन्फिनिटी स्टोन तक नहीं हिला पाए, उसको इस हल्की पावर ने हिला दिया, जिससे पता चलता है कि जो ये पावर है ये इन्फिनिटी स्टोन से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल वाली पावर है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कॉमिक्स से रिलेट करती है, वो है वन बिलो ऑल। जो वन ओवर ऑल है, जो क्रिएशन है, जो क्रिएटर है मार्वल यूनिवर्स का, उसका अराइवल बनता है वन बिलो ऑल, जो बेसिकली बैकहैंड रखता है अपने हल्की पावर का। मतलब जब स्टैनली ने इस कैरेक्टर को बनाया था तो बताया था कि जो कैरेक्टर की पावर बैकहैंड रखता है वन बिलो ऑल, मतलब जो सबसे ज़्यादा पावरफुल क्रिएटर है मार्वल यूनिवर्स का, वो कंट्रोल करता है अपनी हल्की पावर को। इससे ये पता चल जाता है कि जो हल्क है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल करेक्टर है, लेकिन जो हल्क है एमसीयू के अंदर और मार्वल कॉमिक्स के अंदर कई बार उससे कनेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन वो कॉस्मिक हल्क कॉमिक्स के अंदर वो वन बिलो ऑल से कनेक्ट हो गया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, वो वन अबव ऑल की जितना ही पावरफुल हो गया था, जिससे उसको रोकना इम्पॉसिबल हो गया था। तो शायद से जो ये हल्का वेरिएंट है ये अपने वन बिलो ऑल के से कनेक्ट हो गया होगा, जब भी वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया होगा कि जिसकी वजह से जो इसकी पावर्स है वो अपने सुप्रीम स्टेंज को टक्कर दे रही थी। अब पता चल गया कि इसका ओरिजिन क्या है, इसकी पावर्स क्या है। लेकिन ये जो स्वॉर्ड है, जो इसकी वेपन है, जो हमने देखा था कि इसकी वेपन के थ्रू अपने पैगी ने अपने सुप्रीम स्टेंज पर हमला करा था, जब भी वो पीछे हटा था, तो ये स्वॉर्ड कौन सी है, ये कौन से स्वॉर्ड से अपना सुप्रीम स्टेंज पीछे हट गया था। इस चीज की भी तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जो ये वाला हल्का वेरिएंट है, इसके पास एसगार्डियन वेपन है और एसगार्डियन सूट है, जिसे कंफर्म हो जाता है कि जो स्वॉर्ड है एसगार्डियन वेपन है। तो उसमें से तीन स्वॉर्ड अराइज होती हैं। पहली स्वॉर्ड है वैल्करी की स्वॉर्ड, जिसको हमने एमसीयू के अंदर और मार्वल कॉमिक्स के अंदर देख लिया, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है। दूसरी स्वॉर्ड है हेमडाल की स्वॉर्ड, जो बेसिकली बायफ्रॉस्ट को समन करती है और काफ़ी सारे स्पेस ट्रैवलिंग की पावर को समन करती है, ये उनमें से एक हो सकती है। या फिर सबसे पावरफुल एसगार्डियन वेपन ओडिन स्वॉर्ड। ओडिन की स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो किसी भी प्लेनेट या किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखती है। तो ये इन तीनों में से ये एक स्वॉर्ड हो सकती है, जिसका यूज़ अपने इस वेरिएंट ने करा है। तो मेरे हिसाब से ये जो स्वॉर्ड है वो ओडिन स्वॉर्ड हो सकती है, क्योंकि ओडिन स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है, जो बेसिकली किसी की पावर को अब्सॉर्ब करके किसी थ्रू पे फेंक सकती है। एंड दैट्स ऑल इस वीडियो का, हम ही क्लोज करते हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे अकॉर्डिंग कुछ पॉसिबिलिटी और कुछ थ्योरी थी, आपको क्या लगता है? अपनी थ्योरीज और अपनी थॉट्स कमेंट में बताना, और कमेंट्स में ये बताना कि क्या इस करेक्टर का ओरिजिन और इसकी पावर हमें व्हाट इफ सीजन 3 में देखने को मिल सकती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।